हेलो एवरीवन, वेलकम टू R247। R247 रो ओडिया यूट्यूब चैनल को मु बिहुति दास आपन समस्त वेलकम करू छी। पिला माने आज तुम मानो पई गडे मु रिविजन क्लास नै के आसी, एंड जो रिविजन क्लास रे कि मु तुम मानको पई जनरल अवेयरनेस रो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस नै के आसी। क्वेश्चंस तुम अपकमिंग एग्जाम पई बहुत हेल्पफुल हबो। फटाफट लिंक कोडी के शेयर कर दियो, मैक्सिमम टू मैक्सिमम लाइव लर्नर को सेशन अटैच करा। पिला जल्द जल्द लिंक कोडी के शेयर कर दियो तो सांगमानक सहित। तुम्हारे यूट्यूब तुम्हारा जो टेलीग्राम चैनल तुम एक्टिव अच्छ जो टेलीग्राम चैनल तुम एक्टिव अच्छ फटाफट लिंक को टी सेयार कर दियो। मैक्सिमम टू मैक्सिमम लाइव लर्नर को सेसन अटाच करा पाला मैंने। एंड आज भी तुम्हारा मोस्ट इंपोर्टेंट जनरल अवेयरनेस क्वेश्चन नहीं आसे, एंड क्वेश्चन बहुत 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 इंपोर्टेंट रहा है तुम एक्साम। ओके, टाइम वेस्ट करेंगे फटाफट सेसन को स्टार्ट करवा। लिंक को सेयार कर दियो पिला मैंने, लिंक को सेयार कर दियो। तुम फटाफट लिंक को टी सेयार कर दियो पिला। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल, वेरी गुड इवनिंग यज्ञसेनी, रविनारायण पंडा, यज्ञसेनी संघमित्र, विचित्र, प्रशांत, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल, वेरी गुड इवनिंग पिला मैंने। चलो सेशन को स्टार्ट करिबा। प्रशांत, रविनारायण पंडा, एकलव्य कहीं स्टार्ट होगी बाबा। रविनारायण जेहेतु पिला मैंने बेच को एनरोल करुछंती तो एकलव्य बेच को 29 पर्यंत एक्स्ट्रा मैंने पोस्टपोन कराई, तो 29 तुम बेच स्टार्ट होगा। ठीक अच्छे, जमा बेस्त हम रविनारायण स्टार्ट हो बेच पक्का स्टार्ट हो। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल, वेरी गुड इवनिंग पिला मैंने, वेरी गुड इवनिंग। सेसन को आगे ना, एंड सेसन को आगे ना गोटे बहुत सुंदर मोटेसनाल थट रू, एंड तुम्हारा गत काली मोटेसनाल थट नहीं आसते, एंड आज मोटेसनाल थट तुम्हारा रोचे। विजेता लक्ष्य उपर ध्यान दिखती, बाधा उपर ना। येस पिला मैंने, तुम्हें समस्ते गोटे गोटे विनर, एंड तुम्हें समस्ते तुम लक्ष्य उपर ध्यान दि। क्लीयर, बाधा कौन आसपर ध्यान दिवन, जी बाधा को देखा आगे बढ़ी पार्वन। तुम लक्ष्य उपर ध्यान दि, आगे बढ़ तुम लक्ष्य पूरण हाँ पिला, तुम्हें ही तुम लक्ष्य को पूरण कर पार। ओके, तुम भाग्य तुम उपर अच्छे पिला मैंने, तुम उपर डिपेंड करुच्छे। तुम्हें जदि क्लीयर ना तुम भाग्य को तुम जो लक्ष्य रख लक्ष्य जो पूरण करने चाहो तो पिला मैंने आगे बढ़ी चल, बाधा उपर के भी फोकस करनी। ओके, आशा करी मोटेसनाल थट तुमको बहुत 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 मोटेट कर। ओके, एंड R247 आप प्ले स्टोर अवेलेबल अच्छी, प्ले स्टोर तुम समस्त R247 आप को इनस्टल कर क्लासेस को कंटिन्यू कर पिला मैंने। ओके, एंड R247 ओडिया यूट्यूब चैनल को जब सब्सक्राइब कर सब्सक्राइब कर दियो, जो यूट्यूब चैनल तुम तुम सबुदिन पिला मैंने क्लियर डिफरेंट एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट पाउछ। ओके, चैनल को सब्सक्राइब करना एवं ही सब्सक्राइब कर दियो। सेशन को आरंभ करिबा, जबरदस्त सेशन को आरंभ करिबा। ओके, वन मिनट स्टार्ट करिबा प्लान सेशन को आंसर कहो। अच्छा, मत कहल इन व्हिच ईयर प्रोजेक्ट टाइगर वाज लॉन्च्ड, तो कह पार प्रोजेक्ट टाइगर टा केबे स्टार्ट हेतला। प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट टाइगर को ईयर स्टार्ट हेतला। बुलबुल, वेरी गुड इवनिंग बाबा, वेरी गुड इवनिंग। इन व्हिच ईयर प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट, पे तुमको कही वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन आक्ट, जब कह पाने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन आक्ट केनाक्टेड होता 1972 रे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन आक्ट एनाक्टेड होता। प्रोजेक्ट टाइगर के स्टार्ट 1973। ओके, जब कह रामसर कन्वेंशन के सैन होता 1971। प्रोजेक्ट एलिफेंट के स्टार्ट 1992। प्रोजेक्ट चिता के स्टार्ट 2022। प्रोजेक्ट चिता हाँ ना नहीं पिला मैंने, चलो वेरी गुड। तुम कह टाइगर जी कह प्रोजेक्ट टाइगर के स्टार्ट होता तुम समस्त मन रख 1900 आम कह पे मैंने एटा क्वेश्चन तुम मन रखा दरकार पे के 1973 प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट होता है जो कह पे ऑप्शन हम डी डाउट क्लियर पे मन रही। एंड तुम सब जान रखा दरकार टाइगर डे आसते मन रख जुलाई 29 को ग्लोबल टाइगर डे सर अब्जर्व करुँ, तो ग्लोबल टाइगर डे आसले कौन जुलाई 29 जो ग्लोबल टाइगर डे सर अब्जर्व करुँ। तो प्रोजेक्ट टाइगर टा फास्ट जो इनिशिएटेड होता है एप्रिल 1973 मसार डाउट क्लियर वेरी गुड बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, अच्छा मतलब कहो हु वाज द फाउंडर ऑफ चालुक्य डायनेस्टी, चालुक्य डायनेस्टी फाउंडर किए, चालुक्य डायनेस्टी फाउंडर किए, जल्दी कह पे मैंने फटाफट आंसर कह चालुक्य डायनेस्टी फाउंडर किए। हु कैन से हु वाज द फाउंडर ऑफ चालुक्य डायनेस्टी, चालुक्य डायनेस्टी फाउंडर किए जल्दी कह पे मैंने। पुलकेशन फास्ट ना कह पे कृति बर्मन ना नरसिंह बर्मन ना कह पे कौन ना मंगल सा जल्दी कह पे हु कैन से चालुक्य डायनेस्टी फाउंडर किए पिला मैंने। हु कैन से जल्दी कह फटाफट आंसर कह चालुक्य डायनेस्टी फाउंडर। तुम समस्त लिंक को शेयर कर, लिंक को शेयर कर, मैक्सिमम टू मैक्सिमम लाइव लर्नर को सेशन अटैच कर। फटाफट लिंक को शेयर कर दबा, तुम समस्त जल्दी लिंक को स्टार्ट कर शेयर कर दिव्य पाला मैंने। तो मन रखे चालुक्य डायनेस्टी फाउंडर किए पिला मैंने, तो जानते पुलकेशन वन द्वारा चालुक्य डायनेस्टी कौन ना फाउंडेड होता पाला मैंने डाउट क्लियर बुझीपार। तो तुम समस्त जान रखा आंसर कौन ना पुलकेशन, पुलकेशन वन आंसर कौन ना ए ऑप्शन तुम करेक्ट आंसर जय जगन्नाथ। चलो वेरी गुड बहुत बढ़िया आगे बढ़ेगा। हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम डायनेस्टी दैट रूल्ड इंडिया, तो कोई पारे पिला मैंने फर्स्ट मुस्लिम डायनेस्टी जे कि इंडिया राजूती करथिला कोई पारे पिला ने मुस्लिम डायनेस्टी डा
which was the first Muslim dynasty that ruled India? Jaldi kahe dekha first answer kiwo. Jaldi be fast. Repeat fire type discussion na bo. Repeat fire. Revision means repeat fire discussion na baratam. Photo photo answer kahe bo. Itte dhire dhire answer kahe lo bogi. Which was the first Muslim dynasty that ruled India? Pratham Muslim dynasty jara ki kono kotha India rule korthila. Saib dynasty, Tughlaq dynasty, Lodi dynasty, ya Khilji dynasty. Kono pila mane? To mon rakha dekha pila na jodi ami kahiba. क्लियर स्लेव डायनेस्टी जो कह पे मैंने स्लेव डायनेस्टी हूँ फर्स्ट हूँ मुस्लिम डायनेस्टी आम जो कहवा ठीक अच्छे स्लेव डायनेस्टी रूल्ड केबे रूल करते पे तो जारी रखा दरकार 1200-06-90 पर्यटन पे एंड मन रखा दरकार बिकम द फर्स्ट मुस्लिम डायनेस्टी रूल्ड ओवर इंडिया बुझिपार प्रथम जो कह पे क्लियर प्रथम जब कह पे मुस्लिम डायनेस्टी जोटा कि आम कह स्लेव डायनेस्टी देखिए इंडिया रूल करते पे डाउट क्लियर बुझिपार तो आंसर कौन हम तुम्हें जारी रखा दरकार आंसर हम स्लेवटा ओके आंसर हम स्लेव बुझिपार ऑल क्लियर ए ऑप्शन तुम राइट आंसर हम नेक्स्ट अच्छा मतलब विक्रमशिला यूनिवर्सिटी वाज फाउंडेड बाय डेस तो विक्रमशिला यूनिवर्सिटी विक्रमशिला यूनिवर्सिटी वाज फाउंडेड बाय डेस तो कहा द्वारा विक्रमशिला यूनिवर्सिटी फाउंडेड होता जल्दी कह धर्मपाल ना मीरभज ना राजेन्द्र तोल ना पुलकेशन वन जल्दी कहते देखिए फास्ट आंसर किए कौन जल्दी कहते विक्रमशिला यूनिवर्सिटी का द्वारा फाउंडेड होता फटाफट आंसर कह भूल कर विक्रमशिला यूनिवर्सिटी वाज फाउंडेड बाय डेस तो क्या द्वारा पिला मैंने कौ पाल किंग द्वारा विक्रमशिला यूनिवर्सिटी फाउंडेड होता जल्दी कहते देखिए फास्ट आंसर किए कौन कौन आंसर तुम जब कह पे फास्ट ओके कह सरी विक्रमशिला यूनिवर्सिटी वाज फाउंडेड बाय ओके गोटे पालक किंग द्वारा फाउंडेड होता है पालक किंग ना कौन पे मैंने तुम सब जाच विक्रमशिला यूनिवर्सिटी फाउंडेड होता है पालक किंग के धर्मपाल आम जी कह ठीक अच्छे क्लियर एंड लेट 8th सेंचुरी और अर्ली ऑफ 9th सेंचुरी ओके आठ मैं 8th सेंचुरी लास्ट एंड 9th सेंचुरी फर्स्ट कौन होता ना विक्रमशिला यूनिवर्सिटी फाउंडेड होता क्या द्वारा ना धर्मपाल द्वारा बुझिपार ऑल क्लियर बुझे ना बुझे चलो वेरी गुड बहुत बढ़िया पे मैंने अच्छा मतलब कह मिहिर भोज वाज द रूलर ऑफ डेस तो मिहिर भोज देख साइनिंग स्वागतिका गोटे क्वेश्चन देख गोटे कथा मोर शुण मन देखिए आज मत इच्छा ना तुम कह ना आज मत इच्छा ना खाइबी उठी जी गोटे दिन दुई दिन तीन दिन चार दिन इच्छा जो लगे खाइबन कौन हम मृत्यु सुनिश्चित कथार अच्छी रुचु न रुचु खा पिता बुझ न बुझ पढ़ गीता तुम क्वेश्चन आंसर भूल कहीदे भाव सार मु भूल कौच क्लास करी क्वेश्चन आंसर न कह भी क्वेश्चन को शुण तुम मन देखिए शुण नोट डाउन कर आज तुम कहून काली ना तुम भे कही पार तुम सब क्वेश्चन आंसर कह कौन कौच स्वागतिका तुम परफेक्टली बुझी पार थो तो गोटे क्वेश्चन आंसर कहीदे बोली कह ना सर क्विट करी मुझ क्लास करमी नु कौन कहते जो मैंने भीरु मैंने तो तुम्हें क्लास कंटिन्यू करो यस तुम आज गोटे क्वेश्चन आंसर कहन बट नेक्स्ट टाइम तुम्हें कह सब डाउट क्लियर बुझिपार नेक्स्ट तो मीर भोज वाज द रूलर ऑफ डैश मीर भोज वाज द रूलर ऑफ डैश चोल राष्ट्रकूट चालुक्य या मैं कह पे प्रतिहार जल्दी कह पे फटाफट आंसर कहे तो कौन हम पे मीर भोज जाणी रखा दरकार कह रही कह पे मीर भोज का रिलेटेड पे जल्दी कह वेरी गुड बहुत बढ़िया प्लान आंसर हम प्रतिहार तो मिहिर भोज वाज द रूलर ऑफ तुम जाणी रखा दरकार प्लान प्रतिहार डायनेस्टी तो प्रतिहार डायनेस्टी जन गोटे रूलर कह सी हूँ किए ना मिहिर भोज तो आंसर कौन हम तुम डी ऑप्शन राइट आंसर हम पे बुझिपार डी ऑप्शन तुम राइट आंसर हम क्लियर तो मिहिर भोज आसे प्रतिहार डायनेस्टी जन रूलर मुझ पीडीएफ सेयार कर दे आज पीडीएफ तुम सेयार कर दूसरे नेक्स्ट अच्छा मतलब कहल मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पे एंड तुम जो कन्फ्यूजन हो पचारा द पीरियड बिटवीन डैश इन इंडिया इंडिया हिस्ट्री इज नोन एज द दिल्ली सुल्तानेट पीरियड तो पे कौ पीरियड टाक दिल्ली और सुल्तानेट पीरियड को आसे जल्दी कह पे वेरी गुड आशुतोष दिल को छुईगला तुम कौन कह पीरियड बिटवीन डैश इन इंडिया इंडिया हिस्ट्री इज नोन एज दिल्ली सुल्तानेट पीरियड जल्दी कह दिल्ली सुल्तानेट पीरियड टा के प्लान फटाफट आंसर कहे दिल्ली सुल्तानेट पीरियड केसरी प्रशांत कुस्तो अरे लिंक को शेयर करो मैक्सिमम टू मैक्सिमम लाइव लर्नर को सेशन अटैच करो युधिष्ठिर जल्दी बी फास्ट दिल्ली सुल्तानेट पीरियड बार बार तुमको आई बार बार कह मन रखा दरकार प्लान कौन हम तुम जान रखा दरकार 1206-1526 स्लेव डायनेस्टी 1206-1290 ये सब न पे मैंने वेरी गुड
खिलीजी डायनास्टी 1290-1320 वेरी गुड। तुगलक डायनास्टी 1321-1413 सैयद डायनास्टी 1414-1450 लोदी डायनास्टी 1451-1526 डाउट क्लियर बुझी पारिलो तले हम कोई बात दिल्ली सुल्तानेट पीरियड आसले स्लेव रु स्टार्ट हला 1206-1290 तापर आसला खिलीजी 1290-1320 तुगलक आसला तुगलक डायनास्टी 1321 केबे ना 1413 सैयदटा 1414-1450 लोदीटा 1451 टू क्लियर ना 1526 बुझिला ना बुझिलानी पिला माने। नेक्स्ट इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस वाज द क्लियर रूल ऑफ द हम जदी कहला ने वदियार डायनेस्टी तो जदी कहे वदियार डायनेस्टी पिला माने कोडी राजा जदी करूथला जदी कहे वेरी गुड इवनिंग वीरेंद्र वेरी गुड इवनिंग टू ऑल वेरी गुड इवनिंग कुछ तो जल्दी आंसर कहबो। इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस वाज द रूलर ऑफ द रूल ऑफ हम जदी कहला ने ना वदियार डायनेस्टी तो वदियार रेड डायनेस्टी रे कोडी राजा जदी करूथला पिला ने पटना रे मैसूर रे जबलपुर रे गुवाहाटी रे जल्दी कहबो बाबा विश्वरंजन क्वेश्चन को पढ़ी के आंसर कहबो मु चाहूची तुम समस्ते राइट आंसर को वदियार डायनेस्टी कदापि क्वेश्चन को बोली बने इजी क्वेश्चन टा इंपोर्टेंट क्वेश्चन मध्ये तुम जणो को नेकि समस्ते कहि दन जणो कहि देला पर ताको कॉपी करी समस्ते कहि देवा नाही क्वेश्चन को पढ़िबो वदियार डायनेस्टी तुम जानी छो ना इंडियन हिंदू डायनेस्टी एंड तुम जानी दुखा दरकार ए क्वेश्चन आंसर कोन हबो ना जोडा कि राजुति माने कहबा पिला माने वदियार डायनेस्टी कोडी राजुति करूथले तो वदियार डायनेस्टी रो जदी कोइबा प्लान माने माने जदी कोइबा किंगडम टा को जगह थिला मैसूर थिला एंड वदियार डायनेस्टी स्टार्ट हेतला केबे 1999 टू अप टू 1947 पर्यंत बुझी पारिलो ऑल क्लियर बुझिला ना बुझिलोनी हम जे 1399 टू हम कोइबा प्लान ने पखा बेकी 1947 पर्यंत मैसूर राइट आंसर हबल वदियार डायनेस्टी बुझिलो। नेक्स्ट सुंदरी जल्दी कहब मैसूर तुम राइट आंसर हाला एटा टिके इयर टा वदियार डायनेस्टी टा जल्दी कहब नेक्स्ट नेक्स्ट सुंदरी सुंदरी द फेमस ठीक अच्छे तो वदियारटा 1349 स्टार्ट होता अप टू 1447 पर्यटन मैसूर राइट आंसर वेरी गुड ठीक अच्छे द फेमस स्पेसीज आम कह पे सुंदरी इज फाउंड इन डैश तो सुंदरीटा पिला मैंने को फरेस्ट देखा जाए सुंदरी प्लांटा को फरेस्ट देखा जाए जल्दी कह सुंदरी प्लांटा मैनग्रोव फरेस्ट ना ट्रॉपिकल डेसीडियस फरेस्ट ना हिमालयन माउंटेन्स देखा जाए ना कह ट्रॉपिकल रेन फरेस्ट सुंदरी गच सुंदरीटा कौन देखा जाए पे सुंदरीटा वेरी गुड तो सुंदरी आसे कौन ना मैनग्रोव मीन कौन रेस्पिरेटरी रूट्स वाला प्लांट जान वेरी गुड तो आंसर कौन हम ना मेन ग्रुप तो राइट आंसर ए ऑप्शन राइट आंसर डाउट क्लियर बुझी पारिल वेरी गुड। अच्छा मत कहल मुसी एंड भीमा कार ट्रिब्यूटरीटा को रिवर ट्रिब्यूटरीटा मुसी एंड भीमा को रिवर ट्रिब्यूटरी मुसी एंड भीमा आर द ट्रिब्यूटरी ऑफ व्हिच रिवर तो को रिवर ट्रिब्यूटरी होची मुसी एंड भीमा हु कैन से जल्दी कहबो बुलबुल जल्दी कहबो आलोक मुसी एंड भीमा आर ट्रिब्यूटरी ऑफ व्हिच रिवर तो को रिवर ट्रिब्यूटरीटा मुसी और भीमा ब्रह्मपुत्र महानदी कावेरी ना कृष्णा जल्दी कहो प्लान ये सेंट्रल वेरी गुड बटरफ्लाई तो मुसी भीमा आसा कौन पे मैंने तो आम कह कार ट्रिब्यूटरीटा तो कह कृष्णा रिवर ट्रिब्यूटरी आम कह भीमा रिवर आसला तुंगभद्रा रिवर आसला कोयना आसला मुसी आसला ओके नेक्स्ट कह पे मालप्रभा रिवर आसला कुंदाली रिवर आसला ओके तो आम जब कह पे येरला रिवर आसला वर्णा रिवर आसला सब जगह कार ट्रिब्यूटरी गुडा ना कृष्णार तो ओब्वियसली आम कहता कार ट्रिब्यूटरीटा ना कृष्णार एट तुम जानो ओरिजिनेट हो वेस्टर्न घाट रू जो डिस्कसन करे भी ऑल क्लियर बुझी पार एंड से को को स्टेट दी फ्लो कर कृष्णाटा महाराष्ट्र कर्नाटक एंड आंध्र प्रदेश दी फ्लो कर तुम समस्त जान पाला मैंने ओके वेरी गुड। नेक्स्ट ये मुसी रिवर बैंक हैदराबाद वेरी गुड बहुत बड़े रिवल बहुत बड़े सुना पिला रिवल। नेक्स्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बायोस्फीयर रिजर्व वाज फर्स्ट एस्टैब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो पिला मैंने गोटे इंपोर्टेंट क्वेश्चन से पचारा को बायोस्फीयर रिजर्व प्रथम थर पर इंडिया एस्टैब्लिश होता जल्दी कह पा फटाफट आंसर कह व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बायोस्फीयर रिजर्व वाज फर्स्ट एस्टैब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो पे को बायोस्फीयर रिजर्व टा प्रथम एस्टैब्लिश होता है पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा सुंदरबन ना गुल्फ ऑफ मन्ना ना नंदादेवी ना नीलगिरी जल्दी कह देखिए फर्स्ट आंसर किए कौन जल्दी कह व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बायोस्फीयर रिजर्व वाज फर्स्ट एस्टैब्लिश्ड इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो कह पारे को बायोस्फीयर रिजर्व टा प्रथम थर पर एस्टैब्लिश होता कौन हम जल्दी जल्दी आंसर कर लिंक को सेयार कर तुम समस्त तो मन रखा दरकार कदापि क्वेश्चन को बुलवानी पिला मैंने दैट इज नीलगिरी तो नीलगिरी आसे 1986 आसे सुंदरबन आम डिस्कसन करेंगे 1989 सुंदरबन आसे पिला मैंने एंड जदि कह नंदादेवी जदि कह 1988 नंदादेवी आसे गुल्फ ऑफ मन्नार 1989 आसे तो आम जब कह नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व टा तो कौन ना
1986 ବୁଝିପାରିଲ ୟେସ୍ ଅର୍ ନୋ ତ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ ଆମର ନୀଳଗିରି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଓକେ ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ନେବା ଆମେ ନୀଳଗିରିକୁ ପିଲାମାନେ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହି ରଖେ ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ମହାପେକ୍ ଉପରେ ପିଲାମାନେ ସବୁଠାରୁ ଲୋଏଷ୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍ରେ ତୁମେ ଓଡ଼ିଶା ମହାପେକ୍କୁ ପାଉଛ ଯାହାରକି ପ୍ରାଇସ୍ ଆଜି ପାଇଁ କେବଳ ଆଜି ପାଇଁ 3400 ପିଲାମାନେ 900 ଟଙ୍କା ରହିଛି ତ 3500 ଟଙ୍କା ଆମେ ନେବା ତ ଯଦି ଚାହୁଁଛ ମହାପେକ୍କୁ ଏନରୋଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏବେ ହିଁ ମହାପେକ୍କୁ ଏନରୋଲ୍ କର Y281 ପ୍ରୋମୋ କୋଡ୍ ୟୁଜ୍ କରିକି ମହାପେକ୍କୁ ଏନରୋଲ୍ କର ଯେଉଁ ମହାପେକ୍ରେ କି ତୁମେ ଅନ୍ଗୋଇଂ ଅପକମିଂ ସବୁ କ୍ଲାସେସ୍ ପାଇବ ପ୍ରାଇସ୍ ଆରଖି ରହୁଛି 3499 3400 ଟଙ୍କା ରହୁଛି ତ ତୁମେ ସମସ୍ତେ ମହାପେକ୍କୁ ଯଦି ଏନରୋଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ ଏନରୋଲ୍ କରିଦିଅ ତା ସହିତ ତୁମମାନଙ୍କର ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୋଷ୍ଟ ଆୱେଟେଡ୍ ବେଚ୍ ଆମର ବାଲ୍ମିକୀ ବେଚ୍ ଯେଉଁଟାକି ପଞ୍ଚାୟତ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଅଫିସର ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କ୍ଲିୟର ଯେଉଁ ପିଇଓ ଭେକେନ୍ସି ପାଇଁ ଆମର କ୍ଲିୟର ବାଲ୍ମିକୀ ବେଚ୍ ଷ୍ଟୋର୍ ଏଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି ଏକଲବ୍ୟ ଯେଉଁଟାକି ଡବ୍ଲ୍ୟୁର ବେଚ୍ ପିଲାମାନେ ୱେଲ୍ଫେୟାର ଏକ୍ସଟେନ୍ସନ୍ ଅଫିସର ବେଚ୍ ଓକେ ଏଇ ବେଚ୍ ମଧ୍ୟ ଆଡ୍ରା ଷ୍ଟୋର୍ ଏଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି ବିନାୟକ ଓଏସ୍ଏସ୍ସିଜିଏଲ୍ର କ୍ରାସ୍ କୋର୍ସ ବେଚ୍ ଆସିଲା ସାଧନା 2.0 ଯେଉଁଟାକି ଆମେ କହିବା ବିଏସ୍ଏସ୍ର ବେଚ୍ ଆସିଲା ପିଲାମାନେ ଓକେ ନେକ୍ସଟ ଆମର ବିଏସ୍ଏସ୍ର ଟେସ୍ରିଜ୍ ଶକ୍ତି ଜୁନିୟର ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପାଇଁ ବେଚ୍ ପିଲାମାନେ ଜୁନିୟର ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟର ଟେସ୍ରିଜ୍ ଓଡ଼ିଆ ବ୍ୟାକରଣ ବୁକ୍ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ବେଚ୍ ଅର୍ଜୁନ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କୋର୍ଟର ବେଚ୍ ସାର୍ଥକ ହାଇସ୍କୁଲ ଟିଚରର ବେଚ୍ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରାଇମ୍ ଟେଷ୍ଟ ପ୍ୟାକ୍ ଆଣ୍ଡ ଓଡ଼ିଆ ଷ୍ଟେଟ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ମହାପେକ୍ ଯେକୌଣସି ବେଚ୍କୁ ଏନରୋଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ Y281କୁ ୟୁଜ୍ କର ଓଡ଼ିଆ ଷ୍ଟେଟ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ମହାପେକ୍ରେ ପିଲାମାନେ ଅନ୍ଗୋଇଂ ସହିତ ଅପକମିଂ ସବୁ ବେଚ୍ ତୁମମାନେ ପାଉଛ ତ ଅନ୍ଗୋଇଂ ଅପକମିଂ ବେଚ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ଷ୍ଟେଟ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ମହାପେକ୍ ଏବେ ହିଁ ଏନରୋଲ୍ କର ଏବେ ହିଁ ଏନରୋଲ୍ କର ପିଲାମାନେ ଓକେ କ୍ଲିୟର ଆଣ୍ଡ ମୋଷ୍ଟ ଟ୍ରଷ୍ଟେଡ୍ ଏଜୁକେସନାଲ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଇଣ୍ଡିଆ Adorno247 ୟୁ ଅଲ୍ ନୋ ଆବାଉଟ୍ Adorno247 ତୁମେ ଜାଣିଛ ଆଣ୍ଡ ପିଲାମାନେ ତୁମେ ଯଦି Adorno247 ସହିତ କ୍ଲାସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ ତାହେଲେ ମୋ ପ୍ରମୋ କୋଡ୍ ୟୁଜ୍ କରିକି ତୁମେ ବେଚ୍ ଏନରୋଲ୍ କର ଓକେ ଚାଲ ଭେରି ଗୁଡ୍ ବହୁତ ବଡ଼ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆନ୍ସର୍ କହିବେ ଫଟାଫଟ ଆନ୍ସର୍ କହିବେ ତ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିଲା ନେମ୍ ଦ ପାସେଜ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଇଜ୍ ୟୁଜ୍ଡ ବାଇ ପିଲଗ୍ରିମ୍ସ ଇନ୍ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ଫର୍ ଦ କୈଲାସ ମାନସରୋବର ଯାତ୍ରା ତ କୈଲାସ ମାନସରୋବର ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ପିଲାମାନେ କେଉଁ ପାସ୍ଟାକୁ ୟୁଜ୍ କରାଯାଏ ପିଲଗ୍ରିମ୍ସ ମାନେ କେଉଁ ପାସ୍ ଦେଇକି କୈଲାସ ମାନସରୋବର ଯାତ୍ରା କରନ୍ତି ଜଲ୍ଦି କହିବେ ପିଲାମାନେ ଦେଖିବା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ କି କହୁଛନ୍ତି ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ସେଇଟା ବି ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହିସାବ ନେବା ପିଲାମାନେ ସବୁଯାକ ସିଜିଏଲ୍ର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ତୁମେ ଯଦି ଆମର ସିଜିଏଲ୍ କଥା ନେବ ପିଲାମାନେ ଏସ୍ଏସ୍ସି ସିଜିଏଲ୍ର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନେବ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ତୁମର ସିଜିଏଲ୍ର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସେ ତୁମେ ଚେକ୍ କରିପାରିବ ବି ସବୁଯାକ ସିଜିଏଲ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି ତୁମେ ଚେକ୍ ବି କରିପାରିବ ଓକେ ନେମ୍ ଦ ପାସେଜ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଇଜ୍ ୟୁଜ୍ଡ ବାଇ ପିଲଗ୍ରିମେଜ୍ ଇନ୍ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ଫର୍ ଦ କୈଲାସ ମାନସରୋବର ଯାତ୍ରା କୈଲାସ ଆଉ ମାନସରୋବର ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଯଦି କହିବା କେଉଁ ପାସେଜ୍ ତାକୁ ପିଲଗ୍ରିମେଜ୍ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ୟୁଜ୍ କରାଯାଏ ତ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖି ଲିପ୍ଲେକ୍ ଓକେ ଲିପୁଲେକ୍ ପାସ୍ ଯେଉଁଟାକି ପିଲଗ୍ରିମେଜ୍ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ୟୁଜ୍ କରାଯାଏ ଡ୍ୟୁରିଂ କୈଲାସ ମାନସରୋବର ଯାତ୍ରା ତ କୈଲାସ ମାନସରୋବର ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଲିପୁଲେକ୍ ପାସ୍ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ କରାଯାଏ ନା ପିଲଗ୍ରିମେଜ୍ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ୟୁଜ୍ କରାଯାଏ ପିଲାମାନେ ଆଚ୍ଛା ମୋତେ କହିଲେ ତା ନନ୍ଦାଦେବୀ ପିକ୍ ଇଜ୍ ଲୋକେଟେଡ୍ ଇନ୍ ଡ୍ୟାସ୍ ତ କହିବା କେଉଁ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ନନ୍ଦାଦେବୀ ଅଛି ଜଲ୍ଦି କହିବ ନନ୍ଦାଦେବୀ ଇଜ୍ ଇନ୍ ଡ୍ୟାସ୍ ନନ୍ଦାଦେବୀ ଇଜ୍ ଇନ୍ ଡ୍ୟାସ୍ ତ ନନ୍ଦାଦେବୀ ପିକ୍ ଇଜ୍ ଲୋକେଟେଡ୍ ଇନ୍ ଡ୍ୟାସ୍ ଜଲ୍ଦି କହିବ ଦେଖ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ କିଏ କହୁଛନ୍ତି ୟେସ୍ ଏଟା ଦେଖ ତୁମେ ସିଜିଏଲ୍ର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ ବାହାର କର ଓଏସ୍ଏସ୍ ତୁମର ଏସ୍ଏସ୍ସି ସିଜିଏଲ୍ର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ବାହାର କର ସବୁଯାକ ସିଜିଏଲ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆଣ୍ଡ ମୁଁ ଏଟାକୁ ତୁମ ପାଇଁ ଆଜି 50 କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନେଇକି ଆସିଛି 50 ପାଖାପାଖି 30 କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ତୁମ ସିଜିଏଲ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ ଆଡ୍ କରିଛି ଆଜି 30 କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ ମୁଁ ସିଜିଏଲ୍ର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆଡ୍ କରୁଛି ଆଉ ବାକି 20 କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ ମୁଁ ଆଉ ଅଦର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର ଏଇ ସବୁ ମିଶେଇକି ରଖିଛି ହେଲା 50 ଦେନ୍ ନନ୍ଦାଦେବୀ ପିକ୍ ଇଜ୍ ଲୋକେଟେଡ୍ ଇନ୍ ଡ୍ୟାସ୍ ତ ଜଲ୍ଦି କହିବ ତ ନନ୍ଦାଦେବୀ ଅଡିଓ ଭିଡ଼ିଓ କ୍ଲିୟର କି ପିଲାମାନେ ଅଡିଓ ଭିଡ଼ିଓ କ୍ଲିୟର କି ଅଡିଓ ଭିଡ଼ିଓ କ୍ଲିୟର କ୍ଲିୟର ନା ଚାଲ ତ ଆମେ ଯଦି କହ ନନ୍ଦାଦେବୀ ପିକ୍ ଯେଉଁଟା କି କହିବା କେଉଁଠି ଅଛି ପିଲାମାନେ ନା ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ କେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଚାଉମଲି ହେଲା ଚାଉମଲି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ ଅଛି ପିଲାମାନେ ଓକେ ଆଣ୍ଡ ଏଇଟା କାର ପାର୍ଟ ଘରୱାଲ ହିମାଳୟର ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ଯେଉଁଟାକି ଆମେ କହ ଚାଉମଲି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଅଛି ବୁଝିପାରିଲ ମନେ ରହିଲା ପିଲାମାନେ ତ ନନ୍ଦାଦେବୀ ଯଦି କହିବା ସେକେଣ୍ଡ ହାଏଷ୍ଟ ମାଉଣ୍ଟେନ୍ ଆମେ ଯଦି କହିବା ମାଉଣ୍ଟେନ୍ ପିକ୍ ଆଣ୍ଡ ଯଦି କହିବା ପିଲାମାନେ ୱାର୍ଲଡର 23 ନମ୍ବର ହାଏଷ୍ଟ ପିକ୍ ମଧ୍ୟ କହିବା ଯେଉଁକି ଘରୱାଲ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଅଛି ପିଲାମାନେ ଠିକ୍ ଅଛି ନା ସରି ଘରୱାଲ ଆମେ ଯଦି କହିବା ଘରୱାଲ ହିମାଳୟର ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ଆମେ ଯଦି କହିବା ପିଲାମାନେ ଆଣ୍ଡ ଚମଲି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଯଦି କହିବା ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ଅଛି ଓକେ ଭେରି ଗୁଡ୍ ନେକ୍ସଟ ଆଚ୍ଛା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆନ୍ସର କିଏ କହିବ ପିଲାମାନେ ବଗ୍ଲିହାର ଡ୍ୟାମ୍ ଇଜ୍ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟେଡ୍ ଅନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ରିଭର୍ ତ କେଉଁ ରିଭର୍ ବଗ୍ଲିହାର ଡ୍ୟାମ୍ ଅଛି ଜଲ୍ଦି କହିବ ବଗ୍ଲିହାର 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 ଡ୍ୟାମ୍ ବଗ୍ଲିହାର ଡ୍ୟାମ୍ ଇଜ୍ ଇନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ରିଭର୍ ତ କେଉଁ ରିଭର୍ ବଗ୍ଲିହାର ଡ୍ୟାମ୍ ଜଲ୍ଦି କହିବେ ବଗ୍ଲିହାର ଡ୍ୟାମ୍ ଇଜ୍ ଇନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ରିଭର୍ ତ କେଉଁ ରିଭର୍ ଅଛି ବଗ୍ଲିହାର ଡ୍ୟାମ୍ ତମେ କହିବା ବଗ୍ଲିହାର ଡ୍ୟାମ୍ ବିଲ୍ଟ ଅନ୍ ଚେନାବ ରିଭର୍ ତମେ ରଖିବା ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଚେନାବ ରିଭର୍ରେ କହିବା ବଗ୍ଲିହାର ଡ୍ୟାମ୍ ଅଛି
एंड जदि कोई पिला माने को डिस्ट्रिक्ट अछि ना इन द दोदा डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू कश्मीर जो जम्मू कश्मीर हम जदि कहबा दोदा डिस्ट्रिक्ट अछि को डिस्ट्रिक्ट पिला माने दोदा हला एंड जदि कोई पिला माने बगलिहार हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट मध्ये अछि पिला माने डाउट क्लियर वेरी गुड बहुत बड़ा नेक्स्ट अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर की कहबो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पासेस कनेक्ट तवांग विथ लासा लासा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पासेस कनेक्ट तवांग विथ लासा तवांग को लासा सहित को पासटा कनेक्ट करूची जल्दी कहबो चनकन पास बुमला पास ना हम का प्लान है क्लियर पुनगन पास नाम का प्लान है क्लियर कुमजांग पास जल्दी कहबो देखो फर्स्ट आंसर के कहउछन बुझी पालो कोन कहली व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पास कनेक्ट तवांग विथ लासा तवांग को लासा सहित के कनेक्ट करूची तो मन का प्लान है तवांग को लासा सहित कनेक्ट जदि करूची आसले प्लान मन के बुमला पास बुझी पाए आंसर बुमला पास जते में कह सर पुंगान पास जे कि प्लान अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार सहित कनेक्ट करूची प्लान है जदि कह चनकन पास जे कि अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार सहित भी कनेक्ट करते प्लान है एंड जदि कह कुंगवांग पास जदि कह पिला मान जे कि अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार सहित कनेक्ट करे बट हम जदि कह गोटे पास पिला मन रखो हम जदि कह प्लान है पुंगान आसला कि हम प्लान कह चनकन आसला कि हम कह पुंगवान आसला ये सब अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार सहित कनेक्ट करते तवांग को लासा सहित कनेक्ट करछ कोडा ना बुमला पास डाउट क्लियर आंसर हबो बुमला बुझी पारिलो यस ऑर नो वेरी गुड अच्छा मतलब मजुली रिवर आइलैंड मजुली द रिवर आइलैंड इन द वर्ल्ड आम कह पिला लार्जेस्ट रिवर आइलैंड पिला कौटी अच्छे को स्टेट अच्छी अरुणाचल प्रदेश रे ना आसाम रे ना नागालैंड रे ना उत्तर प्रदेश रे मजुली मजुली इज इन डैश तो मजुली टा कोडो जल्दी कहबो मजुली द लार्जेस्ट रिवर आइलैंड इन द वर्ल्ड इज लोकेटेड इन डैश मजुली रिवर आइलैंड इज लोकेटेड इन डैश मजुली टा कोडो जल्दी कहबो मजुली इज इन आसाम तुम जानिछ मजुली इज इन आसाम एंड जानिछ 2016 रे 2016 मसे रे कोन करला ना मजुली को कौन करा गोटे डिस्ट्रिक्ट मान्यता मध्य कर दिया जाता पे मजुली गोटे डिस्ट्रिक्ट होता है वेरी गुड नेक्स्ट अच्छा मतलब कहल व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पासेस इज नोन एज द गेटवे कनेक्टिंग जम्मू एंड कश्मीर कोडा को गेटवे को आसे गेटवे कोडा को आसे पे तो जाणी रखा दरकार तो कोडा को गेटवे कौन तो आम आंसर कौन हम ना मोर हम कौन पे ना बनिहाल पासटा बुझीपार ये सो नो बनिहाल पास कनेक्ट द कश्मीर वैली इन द इंडियन स्टेट जम्मू कश्मीर टू द आउटर हिमालयन एंड आम प्लेन्स को कनेक्ट कर पे एंड जोड़ा कि कहे गेट टू आसे कौन आसे कौटा कौन पे मैंने तो सी ऑप्शन तो मोर राइट आंसर हो लाइक आम कह बनिहाल पास तो बनिहाल पास को आम कौन को नॉन एज गेट टू कनेक्ट इन द जम्मू एंड श्रीनगर जम्मू और श्रीनगर को किए कनेक्ट करुँच जम्मू और श्रीनगर को किए कनेक्ट करुच्छी पे मैंने तुम्हें कहवा कौटा तुम समस्ते कनसनट्रेट कर शुणा दरकार तुम समस्ते कनसनट्रेट कर शुणा दरकार पे मैंने कौन हम ना बनिहाल राइट आंसर कौन हम पे ना बनिहाल तुम राइट आंसर हम क्लियर ये सो ना पे वेरी गुड नेक्स्ट जल्दी कह क्वेश्चन आसला वर्काल चौवा एंड जदि कह पे आम कह पे छापकड़ बुझी पार जल्द जल्द आंसर कह फटाफट आंसर कह जल्दी आंसर कह पे देखिए फर्स्ट आंसर किए कौन जल्द जल्द आंसर कह एक क्वेश्चन आंसर कौन वन मिनट पे नेट टाइम चेंज कर दिए नेट टाइम कनेक्ट करे ओके वर्काला चौवा कौन पे जल्दी आंसर कह को स्टेट अच्छे पे मैंने जो बीच गुडा को स्टेट अच्छी जल्दी आसला वेरी गुड तो जो कह को स्टेट अच्छे पे जो कह वर्कल आसला चौवा आसला चापकड़ आसला को स्टेट अच्छे ना केरला अच्छे कौटे अच्छी केरला बुझी पार वेरी गुड नेक्स्ट क्लियर आर आंसर कौन हम ना तुम केरला राइट आंसर नेक्स्ट व्हिच रिवर पासेस थ्रू मैक्सिमम नंबर ऑफ कंट्री तो को रिवर टा अधिक कंट्री रे पास करिछ जल्दी कहबो को रिवर टा मैक्सिमम कंट्री पास करिछ को रिवर जल्दी कहबो व्हिच रिवर पासेस थ्रू मैक्सिमम नंबर ऑफ कंट्री तो को रिवर टा मैक्सिमम नंबर ऑफ कंट्री पास जल्दी कहबो बी फास्ट तो मन रखा दरकार को रिवर टा पिला माने हम जदि कहबा दानुबे दानुबे रिवर टा मैक्सिमम कंट्री पास करिछ तो हम जदि कहबा केतरा कंट्री पास करिछ फाका पाकी 10टा कंट्री पास करिछ पिला माने डाउट क्लियर नेक्स्ट जदि कह आलामाटी डैम प्रोजेक्ट ऑफ द कृष्णा रिवर वाज इश्यूड बिटवीन व्हिच स्टेट तो जो हम जदि कह पे जो कृष्णा रिवर जो आलामाटी डैमटा अच्छी ठीक अच्छे ये जो डैमटा जदि कह कौ स्टेट दुटा भितर गोटे इश्यू क्रिएट कर जल्दी कह गोटे जोटा कि आम कह न्यूज गोटे हाइलाइट भी था आलामाटी डैम प्रोजेक्ट जो कह कृष्णा रिवर अच्छी कौ दुटा स्टेट भितर गोटे इश्यू क्रिएट कर पे तुम जाच एटा गोटे बहुत बड़ा इश्यूज भी होता पे तो कौ दुटा स्टेट हम तो समझ जाने रखा दरकार आलामाटी जोटा कि कह कृष्णा रिवर अच्छी एंड
তুমি জানি রাখা দরকার কো কো দুইটা স্টেট ভিতরে ইস্যু ক্রিয়েট করেছি না কর্ণাটক এন্ড আন্ধ্রপ্রদেশ ভিতরে ডাউট ক্লিয়ার বুঝিপারিল ইয়েস অর নো ভেরি গুড আনসার কোন হবে না এ অপশন রাইট আনসার হবে দ্যাট ইজ কর্ণাটক এন্ড আন্ধ্রপ্রদেশ আচ্ছা মতো কইল মোস্ট ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন্স হুইচ অফ দ্য ফলোইং আর্টিকেল অফ দ্য ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশন অফ ইন্ডিয়া ইজ রিলেটেড ইউনিফর্ম সিভিল কোড মু জমারু কইবেনি ইউনিফর্ম সিভিল কোড জলদি কইব জলদি করে জলদি কইব পিলা মানে তো ইউনিফর্ম সিভিল কোডটা কোন ইউনিফর্ম সিভিল কোড স্যার बाबा अनिल कहबी सियोर कहबी जल्दी कह यूनिफॉर्म सिविल कोड यूनिफॉर्म सिविल कोड जल्दी कह तो कत पाला आर्टिकल 44 जो यूनिफॉर्म सिविल कोड तुम समस्त जान वेरी गुड अच्छा मतलब कहल नेम द फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ द वर्ल्ड वर्ल्ड कह प्रथम फीमेल प्राइम मिनिस्टर किए आसवे पे तो जान श्रीमाव बंदर नायके जी श्रीलंकर बिलंग करती एंड जदि कह वर्ल्ड रथम जदि कह पे फीमेल प्राइम मिनिस्टर ओके वेरी गुड बहुत बढ़िया पिला तो सी किए ना श्रीमाव बंदर नायके बुझिपार क्लियर एंड जदि कहबा से तीन तीन थर प्राइम मिनिस्टर थे 60 टू 65 70 टू 77 नेक्स्ट कह 94 टू 2000 बुझिपारिल वेरी गुड नेक्स्ट द आईडिया प्रेसिडुआल पावर ओके इन देन इंडिया कन्स्टिट्यूशन बा इंडियन कन्स्टिट्यूशन इज डिराइव्ड फ्रॉम द डैश कन्स्टिट्यूशन ओके जदि कहबा रेसिडुआल पावर टा पिला माने को कन्स्टिट्यूशन रु डिराइव करे छि रेसिडुआल पावर टा बुझिपारिल ना बुझिपारिल पुष्पा कोन कहउछि द आईडिया प्रेसिडुआल पावर इन द इंडियन कन्स्टिट्यूशन इज डिराइव्ड फ्रॉम Which constitution? तो को constitution derive इच residual power टा South Africa, America, Canada, Japan जल्दी कोई बोला मैंने code derive इच South Africa रून America रून Canada रून Japan रून पिला मर जानी चो कौनो पर right answer तो जो residual power को तो दी कोई बात मतलब मानु को बार बार कोई ची पिला मैंने को country derive इच ना जानी चो Canada रून बुझ पा रही लो very good बहुत बड़ा answer अब Canada तुम्हारा right answer अच्छा मतलब कोई लो ना इटा भी गुड important question ही साबर ना Which part of the Indian constitution are center state relation mentioned? तो center state relation डा पिला मैंने इंडियान कन्स्टिट्यूशन को पार्ट में मेनसन अच्छे बुझीपार क्वेश्चन कौन कहली ना सेंटर स्टेट रिलेशन टा को पार्ट में मेनसन अच्छे पार्ट 11 पार्ट 4 पार्ट 10 पार्ट 12 जदि कह सेंटर स्टेट रिलेशन टा को पार्ट में मेनसन अच्छे जल्दी कह बहुत इजी क्वेश्चन एंड इंपोर्टेंट क्वेश्चन सेटा व्हिच पार्ट ऑफ द इंडियन कन्स्टिट्यूशन आर सेंटर स्टेट रिलेशन आर मेनसन तो सेंटर स्टेट रिलेशन टा इंडियन जदि कन्स्टिट्यूशन को पार्ट में मेनसन अच्छे पिला माने जानि रखा दरकार कोटा हबो मन रखा दरकार तो आम जाने पार्ट 11 पिला माने आर्टिकल 245 तो जोड़ा कि सेंटर स्टेट रिलेशन टा मेंशन अच्छे पिला माने जाने रखिल दरकार पिला माने 245 तुम समझ जान रखा था पार्ट 11 जोड़ा कि आसे पिला माने ऑल क्लियर बुझिपारिल ये सुन पिला माने लेजिस्लेटिव रिलेशन आसले 45-55 एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन टा 56-63 जानी फाइनेंशियल रिलेशन टा 68-93 बार बार आम कही डिस्कशन भी करे अच्छा मतलब कहल व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल प्रमोट इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड फॉर ऑल सिटीजन पिला माने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस एटा भी गुड इंपोर्टेंट क्वेश्चन हिसाब रे मुनबी अच्छा मते कहिलो फॉर व्हिच आर्टिकल प्रमोट्स द जस्टिस इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड फॉर ऑल सिटीजन तो समस्त सिटीजन को समस्त नागरिक को फ्री लीगल एड मिलिबा दरकार तो एटा जदि कहबा केतना नंबर आर्टिकल आसे पिला माने जल्दी कहबो 39 32 43 48 जल्दी कहबो देखे फर्स्ट आंसर के कोछो पिला माने कोन आंसर तो जानि रखा दरकार तो एटा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस आर्टिकल 39 पिला माने प्रमोट ऑल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड फॉर ऑल ऑफ द सिटीजन तो कौन अपना 39 ने तुम राइट आंसर हम पिला माने पीडीएफ शेयर कर देबी एंड तुम माने जो एक्स्ट्रा जो मु रखी छी पिला माने जा के आर्टिकल 32 को था 43 को था एंड 48 को था तुम समस्त पीडीएफ शेयर करले मध्य तुम पढ़ी पारिबा ना मु पीडीएफ आ तुम टेलीग्राम रे शेयर कर दो छला तो आर्टिकल 39 एटा तुम जानिलो जेडा के हम कोइबा पिला ने इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड टू ऑल सिटीजन जेडा के कोन आर्टिकल 39 ए राइट आंसर होला वेरी गुड अच्छा मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर की कोई व्हाट इज द टर्म ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ग्राम पंचायत तो ग्राम पंचायत पिला देखो तो पंचायत एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मध्ये तुम वैकेंसी आसे पाए जाउछ तो ग्राम पंचायत रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम रे मध्ये हमर बनि पारे तो पछलो व्हाट इज द टर्म ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ग्राम पंचायत तो जानिछो तो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव तो केते वर्ष पय इलेक्ट हेता इजी क्वेश्चन डाटा तुम मन पय तो जानि रखा दरकार 5 वर्ष पय इलेक्ट हेता तो एटा बड इंपोर्टेंट क्वेश्चंस आसे बर पंचायत रा सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द कंट्री वाइड थ्रू जानिचो 73 एंड 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 तो पचार दे दिबला माने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस बनि पारे ना जे पंचायत राज सिस्टम टा इंट्रोड्यूस हेतला क्वेश्चन जमर भुलिबनी तो पंचायत राज सिस्टम टा जे इंट्रोड्यूस हेतला केते नंबर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वाइज ना 73 एंड 74 नंबर जदि कह कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वाइज जडा इनएक्टेड हेतला केबे 1992 मु बार बार तुमानो कोछि क्वेश्चंस को जमर भुलिबन पिला माने आंसर कोन हबो तुमरो एटा 5 इयर्स हबो ता सब तुमान जानि रखा दरकार ना पंचायत राज जदि कहबा सिस्टम ना इंट्रोड्यूस हेता कंट्री वाइड 73 एंड 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 वाइज डाउट क्लियर वेरी गुड बहुत बड़ा अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर की कोई भी व्हिच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टॉक अबाउट द प्रोविजन फॉर द इंपीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट पिला माने इंपीचमेंट प्रेसिडेंट इंपीचमेंट जल्दी को प्रेसिडेंट इंपीचमेंट आर्टिकल केते 54 51 63 ना 61
तो तुम समस्त जाणी रखा दरकार जदि कहबा इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट 54 ओके जदि कहबा पिला 51 नंबर जदि आर्टिकल 51 नंबर 51 आसले कोन अपना प्रमोट द इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी बार बार हमें कहिछे 63 टा कोन आसे पिला माने ना वाइस प्रेसिडेंट आसे एंड 61 जदि कहबा इंपीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट पिला माने प्रेसिडेंट वाला क्वेश्चंस काहे कि मु तुमको इंपोर्टेंट कहू छी ना जेतु वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट इलेक्शन हेतला रेलवे रो एग्जाम चली तैरे मध्ये पचारि थला मे बी तुमर सीजीएल एग्जाम रो मध्ये आसी पारे ए क्वेश्चंस पक्का बनि पारे तुमर एग्जाम रे ओके तब लखा लखा 54 जदि आसले इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट 51 होची प्रमोशन जदि हम को प्लान प्रमोशन ऑफ द क्लियर इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी बार बार कहिछे 63 होची हमर वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन एंड 61 होची कोन ना प्रोसीजर ऑफ इंपीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट ओके वेरी गुड नेक्स्ट अच्छा मते कहलो व्हिच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स दैट ईच इंडियन स्टेट गेव गवर्नर तो पिला मन जदि कहबा विल गे विल गवर्नर तो जदि कह प्रति इंडियन स्टेट रो जदि कहबा पिला माने प्रति इंडियन स्टेट रे जदि कहबा पिला माने गवर्नर रहिबा दरकार तो आर्टिकल केतर नंबर आर्टिकल जदि कहबो आर्टिकल 152 आर्टिकल 154 आर्टिकल 151 आर्टिकल 153 जल्दी कहबो देखा फर्स्ट आंसर की कहबो पिला माने व्हिच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स दैट ईच इंडियन स्टेट एबे गवर्नर प्रति इंडियन स्टेट रो जदि हम कह प्रति राज्य रो गोटे गवर्नर रो आर्टिकल केतर नंबर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जमार भूलिबन पिला माने आर्टिकल 153 होची कोन गवर्नर आसे आर्टिकल 154 होची एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ गवर्नर जानिचो 152 जो नबा तो हमें डेफिनेशन ऑफ स्टेट एंड सीएजी जदि हम कहबा 151 मु बार बार कहिथली प्लान 151 आर्टिकल रिलेटेड टू सीएजी 152 होची डेफिनेशन ऑफ स्टेट 53 होची गवर्नर ऑफ स्टेट एंड 54 कहबा एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ गवर्नर ओके वेरी गुड नेक्स्ट अच्छा मते कहिलो तो कहि परबो के द गेम टेंस हम कहबा दैट इज थोड़ा ओके तो थोड़ा को स्टेट्स ऑफ रिलेटेड प्लान थोड़ाटा को स्टेट्स ऑफ रिलेटेड आंध्र प्रदेश सहित ना सिक्किम सहित ना हिमाचल प्रदेश सहित ना हम कह प्लान हरियाणा सहित थोड़ाटा कहाँ सहित रिलेटेड पिला माने तो जानि रखा तो थोड़ा कहबा कदापि क्वेश्चंस को भूलियो पिला माने तो जदि थोड़ा कथा कहबी ताले को स्टेट्स ऑफ रिलेटेड कदापि क्वेश्चंस को भूलियो हिमाचल प्रदेश सहित तो थोड़ा गोटे वॉरियर टेंस हम कह पिला माने एंड राजपूत मानक द्वारा परफॉर्म करा जाए सिरमोर जदि कह सिरमोर डिस्ट्रिक्ट रे पिला माने एंड दम जदि कह सिमला एंड सोलान डिस्ट्रिक्ट रे परफॉर्म करा जाए को स्टेट रे हिमाचल प्रदेश तो हमें जदि कहबा हिमाचल प्रदेश सहित थोड़ा वॉरियर डेंस ता पिला माने रिलेटेड तो हमें कहबा आंसर कोन हमर हिमाचल प्रदेश हमर राइट आंसर हबो अच्छा मते कहलो पचला फास्ट वुमेन जनरल सेक्रेटरी ऑफ सार्क सार्क रो फास्ट वुमेन जनरल सेक्रेटरी के तुम समझ जानिछ न बाबा तुमको हमें डिस्कस मु एक क्वेश्चन भी डिस्कशन करी फास्ट वुमेन जनरल सेक्रेटरी ऑफ सार्क सार्क को हमें फास्ट वुमेन जनरल सेक्रेटरी नबा कदापि तुम क्वेश्चन को भूल क्लियर जानिछ कि आसन पिला माने हु कैन से ना दहियान नाम कहबा फतिमात दहियान जो कि राइट आंसर फतिमात दहियान सहित जे कि पिला माने सार्क जदि कहबा प्रथम वुमेन जनरल सेक्रेटरी ओके प्रथम वुमेन जनरल सेक्रेटरी जदि कोन से ना फतिमात दहियान तुम राइट आंसर हम तो हमें कहबा पिला माने डी ऑप्शन हमर राइट आंसर सार्क तुम जानिछ 8 जन मेंबर अछन पिला माने मु कहितली पानी एमबीबीएस भूटान इंडिया मालदीप नेपाल पाकिस्तान श्रीलंका ओके जमारे क्वेश्चंस को भूलिबो नि पिला माने ओके एंड अफगानिस्तान बांग्लादेश सोरे के मु तमन को कोड भी कहि देतली पानी एमबीबीएस ए कोड वाइज तुम समस्त मन रखि पारिबो सार्क मेंबर कंट्री को ओके वेरी गुड नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर दिबा ना बाबा अच्छा मते कहलो पचला व्हिच टीम ओन द रणजी ट्रॉफी फाइनल 2022 2022 मसे रणजी ट्रॉफी को के जीति जी कहलो 2022 रणजी ट्रॉफी को के जीति जी जल्दी कहबो Which team won the Ranji Trophy final 2022? 2022 Ranji Trophy को कोई team जीती थी? विदर्भ ना मध्य प्रदेश ना मुंबई ना दिल्ली जल्दी कहो अर्जुन जल्दी आंसर कहो देखा फर्स्ट आंसर के क्वेश्चन हु कैन से तो कौ टीम टा रणजी ट्रॉफी 2022 को जीती एग्जाम रे पक्का बनी पारे पिला माने रणजी ट्रॉफी जदी कथा कहबा तो मध्य प्रदेश मुंबई को हरी छि पिला माने तो हरे कि 6 विकेट रे हरे कि हम जदी कहबा रणजी ट्रॉफी टाइटल को जीती पिला माने तो जदी कहबा पिला माने मध्य प्रदेश रे होछ फर्स्ट रणजी ट्रॉफी टाइटल हमें कहबा तुम समस्त जानि रखा दरकार एटा भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन तुम एग्जाम पई बनी पारे पिला तो आंसर कोन ना मध्य प्रदेश राइट आंसर हबो कदापि क्वेश्चंस को भूलिबो नाही अच्छा मते कहलो 2019 मसिया रे कजाकिस्तान रीनेम्ड इट्स कैपिटल अस्ताना टू डैश तो पिला माने जदी कहला कजाकिस्तान रो कैपिटल बर्तन जो अस्ताना रो ना को परिवर्तन करके कोन कराइतला जदी कहबा कजाकिस्तान रो कैपिटल जो अस्ताना थिला अस्ताना ना को परिवर्तन करके कोन कराइतला तुमको मु बार बार कहिथली कोन थिला पिला माने ना नूर सुल्तान ओके कजाकिस्तान ता कैपिटल अस्ताना को परिवर्तन करके कोन कर नूर सुल्तान करथिला पिला माने तो सम जानि रखा दरकार आंसर कोन हो बर्तन ना नूर सुल्तान रे कोन से ना कजाकिस्तान रो कैपिटल आसे ओके अस्ताना रो नाग परिवर्तन कर नूर सुल्तान कराइला तब समस्या आने रखा दरकार भी अच्छा मतलब कहो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इकोनॉमिक एक्टिविटीज एम्प्लॉयज मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल इन इंडिया ओके जदि क्वेश्चन आसला तो जदि कहबा अधिक जदि इंडिया रो अधिक लोक पिला माने कहा सहित एसोसिएटेड मींस कहबा टूरिज्म सहित एग्रीकल्चर सहित माइनिंग सहित मैन्युफैक्चरिंग सहित बुझि पाइलो ना इकोनॉमिक एक्टिविटीज ता जदि कहबा पिला माने मींस हमर जदि अधिक लोक जरे कि को फील्ड सहित रिलेटेड बा को कार्य करंती अधिक परिमाण रे तो जानि रखा दरकार ने कौन आंसर कौन पे ओब्वियसली क्वेश्चन आंसर हम एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर सेक्टर एम्प्लॉय मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल इन इंडिया ओके
ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଜିଡିପିର ଯଦି କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ କଥା ନେବା ତ ଲୋ ଜିଡିପି କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ କରେ କିଏ ନା ଏଗ୍ରିକଲଚର, ତ ଏଗ୍ରିକଲଚର ଅଧିକ ଲୋକ ମାନେ ଆଟାଚ୍ ହେଇଛନ୍ତି, ବଟ୍ ଜିଡିପି ଯଦି କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ କଥା ଦେଖିବା ତ କମ୍ ଜିଡିପି ମିଳେ କୋଉଠୁ ନା ଆମର କହିଲୁ ନା ଏଗ୍ରିକଲଚରରୁ, ଭେରି ଗୁଡ୍। ଯଦି କହିବା ସଷ୍ଟେନ୍ଡ ରାଇଜ୍ ଇନ୍ ଦ ଜେନେରାଲ ପ୍ରାଇସ୍ ଲେଭେଲ ଇନ୍ ଦ ଇକୋନୋମି ଇଜ୍ କଲ୍ଡ ଏ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍, ଏ ସଷ୍ଟେନ୍ଡ ରାଇଜ୍ ଇନ୍ ଦ ଜେନେରାଲ ପ୍ରାଇସ୍ ଲେଭେଲ ଇନ୍ ଏନ୍ ଇକୋନୋମି ଇଜ୍ କଲ୍ଡ ଏ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍, ତ ଏଇଟା ଜାଣି ରଖିବା ଦରକାର। ଯଦି ପ୍ରାଇସ୍ ଲେଭେଲ ବଢ଼ିଲା ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହୁଛେ, ତ ତମେ କହୁଛ ପିଲା ତାକୁ ଓକେ ଇନ୍ଫ୍ଲେସନ, ତ ଆନ୍ସର କ'ଣ କହୁ, କ'ଣ ହବ ଆନ୍ସର, ନା ଇନ୍ଫ୍ଲେସନ ତୁମର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହବ। ଯଦି ପ୍ରାଇସ୍ ଲେଭେଲ ବଢ଼ିଗଲା ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା, ଇନ୍ଫ୍ଲେସନ କହିବା, ତ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହବ ନା ସି ଅପ୍ସନ୍ ଆମର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହବ। ଏଣୁ ତୁମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ ଇନ୍ଫ୍ଲେସନ କ'ଣ, ଓକେ ବୁଝିପାରିଲ, ଭେରି ଗୁଡ୍। ନେକ୍ସଟ ଯଦି କହିଲା ପ୍ରାଇସ୍ ଲେଭେଲ ଯଦି କ'ଣ ହେଲା ନା ଆମେ ଯଦି କହିବା କମିଯାଏ, ଇନକ୍ରିଜ ହେଲେ ଇନ୍ଫ୍ଲେସନ, ତମେ କହିବା ସାର୍ ଯଦି ବଢ଼ିଗଲା ଯଦି କମିଗଲା ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ ଡିଫ୍ଲେସନ କହିବା, ଇନ୍ଫ୍ଲେସନ ବଢ଼େ ଡିଫ୍ଲେସନ ମିନ୍ସ କ'ଣ ନା କମେ, ଭେରି ଗୁଡ୍। ନେକ୍ସଟ ଆଚ୍ଛା ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ରେଗୁଲେସନ ଆକ୍ଟଟା କେବେ ପାସ୍ ହେଇଥିଲା, ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ରେଗୁଲେସନ ଆକ୍ଟଟା ଇଣ୍ଡିଆରେ କେବେ ପାସ୍ ହେଇଥିଲା, ତ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ରେଗୁଲେସନ ଆକ୍ଟ ଯଦି ନେବା ତ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ରେଗୁଲେସନ ଆକ୍ଟଟା କେବେ ପାସ୍ ହେଇଥିଲା ତମେ ଜାଣି ରଖିବା ଦରକାର, 1949, ତ 1949 ମସିହାରେ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ରେଗୁଲେସନ ଆକ୍ଟଟା କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା ଇଣ୍ଡିଆରେ ପାସ୍ ହେଇଥିଲା, ତା ଆନ୍ସର ହବ 1949 ତୁମର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହବ। ହ୍ୱିଚ୍ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଇଟ୍ ସେଟ୍ ଟୁ ରିନେମ୍ ଇଟ୍ସ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ମେଟା, ତ କେଉଁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ତା ନାଁକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲା ମେଟାକୁ, ଜାଣିଛ ଫେସବୁକ୍ କ'ଣ କରିଥିଲା ତା ନାଁକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ମେଟା କରିଥିଲା, ତାକୁ ଆମେ କହିବା ପିଲାମାନେ ଆନ୍ସର ହବ ଆମର ଫେସବୁକ୍, ମାର୍କ ଜୁକରବର୍ଗ ଯିଏକି କ'ଣ କ'ଣ ଅଛନ୍ତି ପିଲା ନାଁ କହିବା ଯିଏକି ସିଇ ଅଛନ୍ତି, ବୁଝିପାରିଲ, ତ ମାର୍କ ଜୁକରବର୍ଗ ଯିଏକି ସିଇ ଅଛନ୍ତି ଏଣ୍ଡ ଫେସବୁକ୍ ନାଁକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ମେଟା କରିଥିଲା, ଭେରି ଗୁଡ୍। ଆଚ୍ଛା ମୋତେ କହିଲେ ଆକବର ନାମାକୁ କାହା ଦ୍ୱାରା ଲେଖା ହେଇଥିଲା, ଆକବର ନାମା, ଆକବର ନାମା, ଆକବର ନାମାକୁ କାହା ଦ୍ୱାରା ଲେଖା ହେଇଥିଲା ପିଲାମାନେ ଯଦି କହିବା ଆକବର ନାମା, ଆକବର ନାମାଟା କୋଉ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ, ଆମେ ଯଦି କହିବା କୋଉ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଲେଖା ହେଇଥିଲା, ଆକବର ନାମାଟାକୁ କୋଉ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଲେଖା ହେଇଥିଲା ଯଦି କହିବ, ଆକବର ନାମା ୱାଜ୍ ରିଟନ୍ ଓରିଜିନାଲି ଇନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଲାଙ୍ଗୁଏଜେସ୍, ତ କୋଉ ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ ଯଦି କହିବା ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆକବର ନାମାକୁ ଲେଖା ହେଇଥିଲା ପିଲାନେ କ'ଣ ହବ ଆନ୍ସର, ତ ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆନ୍ସର ହବ ପର୍ସିଆନ, ତ ପର୍ସିଆନ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଆମେ ଯଦି କହିବା ଆକବର ନାମାକୁ ଲେଖା ହେଇଥିଲା ପିଲାମାନେ, ତ ଆନ୍ସର ହବ ପର୍ସିଆନ ତୁମର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହବ। ନେକ୍ସଟ ଆଚ୍ଛା ମୋତେ କହିଲେ ସନ୍ତାର ଗୋଟେ ରିଲିଜିୟସ୍ ରିଚୁଆଲ ରିଲେଟେଡ୍ ଟୁ ଡେସ୍, ତ ପିଲାମାନେ କୋଉ ଧର୍ମ ସହିତ ଆମେ ଯଦି କହିବା କୋଉ ରିଲିଜନ୍ ସହିତ ପିଲାମାନେ ସନ୍ତାରଟା ଆମେ ରିଲେଟେଡ୍ ପିଲାମାନେ, ତ ସନ୍ତାରା ଆସିଲେ ମନେ ରଖିବା ଦରକାର, ସନ୍ତାରା ଗୋଟେ ଜୈନ ରିଲିଜିୟସ୍ ରିଚୁଆଲ ଆମେ କହିବା ପିଲାମାନେ, ଠିକ ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ଭଲ୍ୟୁଣ୍ଟାରୀ ଡେଥ୍କୁ ଖାଇବେନି, ଫାଷ୍ଟିଂ କରି ଉପବାସ କରିକି କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ଭଲ୍ୟୁଣ୍ଟାରୀ ଡେଥ୍ ମାନେ କ'ଣ ଯେଉଁଟାକି ଆମେ କହିବା ଇଚ୍ଛା ମୃତ୍ୟୁ ନିଅନ୍ତି ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହୁ ସନ୍ତାରା କହୁଛନ୍ତି, ତ କୋଉ ରିଲିଜିୟସ୍ ସହିତ ରିଲେଟେଡ୍ ଏଇଟା ନା ଜୈନ ସହିତ ରିଲେଟେଡ୍ ପିଲାମାନେ, ଆନ୍ସର ହବ ଜୈନ। ଆଚ୍ଛା ମୋତେ କହିଲ କନ୍ସିଡର ଦ ଫଲୋଇଂ ପେୟାର୍ସ ଅଫ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଫର୍ମ ୱିଥ୍ ଆସୋସିଏଟେଡ୍ ଷ୍ଟେଟ୍, ତ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଆଉ ଷ୍ଟେଟ୍ କୋଉ ଷ୍ଟେଟ୍ ସହିତ ଆସୋସିଏଟେଡ୍, କୋଉଠି ଡ୍ୟାନ୍ସ ଦେଲା, ତିପାରୀ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଦେଲା, ଝୁମର ନାଚ ଦେଲା, ପିଲାମାନେ କୋଉ ଷ୍ଟେଟ୍ ସହିତ ଦେଲେ, କୋଉ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଦେଲା ଓଡ଼ିଶା, ତିପାରୀ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଦେଲା ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ, ଝୁମର ଡ୍ୟାନ୍ସ ବା ଝୁମର ନାଚ ଦେଲା ଛତିଶଗଡ଼, ତ କରେକ୍ଟ ଅପ୍ସନ୍ଟା କହିବା ପାଇଁ କହିଛି ପିଲାମାନେ, ତ ମନେ ରଖିବ କୋଉଠି ଡ୍ୟାନ୍ସ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ହବ, ତିପାନୀ ଆସିଲେ ଗୁଜୁରାଟ ହବ, ଏଣ୍ଡ ଝୁମର ଡ୍ୟାନ୍ସ ଯଦି କହିବା ଆସାମ ଆସେ, ତ ଆନ୍ସର ହବ ଡି ଅପ୍ସନ୍ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହବ, କିଏ କାଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ନାହିଁ ପିଲାମାନେ, ତ ଡି ଅପ୍ସନ୍ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହବ। ଆଚ୍ଛା ମୋତେ କହିଲେ ଇନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ରୋଲାପାଡ଼ୁ ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ସେଞ୍ଚୁରୀ ସିଚୁଏଟେଡ୍, ତ କୋଉ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ଆମେ କହିବା ରୋଲାପାଡ଼ୁ ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ସେଞ୍ଚୁରୀ ଅଛି, ତ କୁର୍ନୁଲ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ ଆମେ ଯଦି କହିବା ରୋଲାପାଡ଼ୁ ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ସେଞ୍ଚୁରୀ ଅଛି, କେବେ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଜ୍ ହେଇଥିଲା 1988 ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଜ୍ ହେଇଥିଲା କୁର୍ନୁଲ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ ଆମେ ଯଦି କହିବା ରୋଲାପାଡ଼ୁ ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ସେଞ୍ଚୁରୀ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା ମୋତେ କମ୍ବଲା ଯଦି କହିବା ପିଲାନେ କମ୍ବାଲା ପୋର୍ଟ, ଓକେ କମ୍ବାଲା ପୋର୍ଟ କୋଉ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ଅଛି, କମ୍ବାଲା ପୋର୍ଟ, ତ କମ୍ବାଲା ସରି କମ୍ବାଲା ସ୍ପୋର୍ଟ ଇଜ୍ ହେଲ୍ଡ ଇନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଷ୍ଟେଟ୍, ତ କୋଉ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ପିଲାନେ ଯେଉଁ କମ୍ବାଲା ସ୍ପୋର୍ଟକୁ କମ୍ବାଲା ସ୍ପୋର୍ଟ, ତ କୋଉ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ଏ କମ୍ବାଲା ସ୍ପୋର୍ଟକୁ ପରଫର୍ମ କରାଯାଏ, କମ୍ବାଲା ଜଲ୍ଦି କହିବ, ଯଦି କମ୍ବାଲା ସ୍ପୋର୍ଟସ ଇଜ୍ ହେଲ୍ଡ ଇନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଷ୍ଟେଟ୍, ତ କୋଉ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ପରଫର୍ମ କରାଯାଏ, କମ୍ବାଲା ମନେ ରଖିବା ଦରକାର, ଗୋଟେ ବୁଫାଲୋ ରେସ୍ ପିଲାମାନେ ତ ଜାଣି ରଖିବା ଦରକାର, ତ କୋଉ ଷ୍ଟେଟ୍ ସହ ରିଲେଟେଡ୍ ନା କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ଡଟ୍ କ୍ଲିୟର ବୁଝିପାରିଲେ, କିଛି କିଛି ଷ୍ଟେଟ୍ ଯଦି କେରଳର କିଛି ପାର୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ଆକୁ ପରଫର୍ମ କରାଯାଏ, ତ କମ୍ବାଲା ଗୋଟେ ବୁଫାଲୋ ରେସ୍ ଆମେ କହିବା, ତ କୋଉ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ପରଫର୍ମ କରାଯାଏ ନା କର୍ଣ୍ଣାଟକ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହବ। ନେକ୍ସଟ ହ୍ୱିଚ୍ ସେଞ୍ଚୁରୀ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ୱାଜ୍ ବର୍ନ, ତ କୋଉ ସେଞ୍ଚୁରୀରେ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲା, ସ୍ପୋର୍ଟ ଇଏ ସିଏସ୍ ଜଲ୍ଦି କହିବ, ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ଜନ୍ମ ଏଇଟା ଜାଣିଛ 6th century ହେଇଥିଲା ପିଲାମାନେ, ତ ଆମେ ଯଦି କହିବା 6th century ଆମେ ଯଦି କହିବା ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ଜନ୍ମ କେଉଁଠି ହେଇଥିଲା ନା 563 BC ଲୁମ୍ବିନୀରେ ହେଇଥିଲା ପିଲାମାନେ, ବୁଝିପାରିଲ, ଭେରି ଗୁଡ୍। ନେକ୍ସଟ ଆଚ୍ଛା ମୋତେ କହିଲେ ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଇଜ୍ ଦ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ମ୍ୟୁଜିୟମ, ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ମ୍ୟୁଜିୟମ ତୁମେ ଜାଣିଛ ଇଣ୍ଡିଆନ ମ୍ୟୁଜିୟମ କୋଲକାତାର, ସେ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ମ୍ୟୁଜିୟମ ଫାଉଣ୍ଡେଡ୍ ହେଇଥିଲା କେବେ 1814 1814 ପିଲାମାନେ ଇଣ୍ଡିଆନ ମ୍ୟୁଜିୟମଟା ଫାଉଣ୍ଡେଡ୍ ହେଇଥିଲା, ଭେରି ଗୁଡ୍। ଯଦି କହିବା ଓଲ୍ଡେଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆନ ମ୍ୟୁଜିୟମ ମଧ୍ୟ ଆମେ କହିବା ଯେଉଁଟାକି କୋଲକାତାର ଯେଉଁଟା ଅଛି, ତୋଶାଲି ନ୍ୟାସନାଲ କ୍ରାଫ୍ଟ ମେଳା କୋଉ ଷ୍ଟେଟ୍ ସହିତ ରିଲେଟେଡ୍, ତୋଶାଲି କ୍ରାଫ୍ଟ ମେଳାଟା ପିଲାମାନେ ଓଡ଼ିଶା ତୋଶାଲି କ୍ରାଫ୍ଟ ମେଳାକୁ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ କରେ, ଆନ୍ସର କ'ଣ ହବ ନା ଓଡ଼ିଶା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହବ, ଓକେ ତ ଓଡ଼ିଶା କ'ଣ କରେ ନା ତୋଶାଲି କ୍ରାଫ୍ଟ ମେଳାକୁ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ କରେ ପିଲାମାନେ, ବୁଝିପାରିଲ, ଭେରି ଗୁଡ୍। ଆଚ୍ଛା ମୋତେ କହିଲେ ପଟ୍ଟଚିତ୍ର ହ୍ୱିଚ୍ ୱାଜ୍ ମେକିଂ ନ୍ୟୁଜ୍ ରିସେଣ୍ଟଲି ଇଜ୍ ଏ ପପୁଲାର ଆର୍ଟ ଫର୍ମ ହ୍ୱିଚ୍ ଷ୍ଟେଟ୍, ତ ପଟ୍ଟଚିତ୍ରଟା କୋଉ ଷ୍ଟେଟ୍ ସହିତ ରିଲେଟେଡ୍ ନା ପଟ୍ଟଚିତ୍ର ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ସହିତ ରିଲେଟେଡ୍ ପିଲାମାନେ, ତ ଓଡ଼ିଶାର ଯଦି କହିବା ରଘୁରାଜପୁରରେ କ'ଣ କରାଯାଏ ଯେ ପଟ୍ଟଚିତ୍ରଟାକୁ କରାଯାଏ ପିଲାମାନେ, ତା ସହିତ ଗୋଟିପୁଅ ନାଚ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଫେମସ ରଘୁରାଜପୁର। ନେକ୍ସଟ ବୁଝିଲ ପିଲାମାନେ,
ତ କୁଶନେଶ୍ୱର ଲେକ୍ ପିଚୋଲା ସିଚୁଏଟେଡ୍ ୱିଥ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଷ୍ଟେଟ୍, ତ କେଉଁ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ଟା ପିଚୋଲା ଲେକ୍ ଅଛି ନା? ଉଦୟପୁର ସିଟି ରାଜସ୍ଥାନରେ ପିଲା, ଆମେ ଯଦି କହିବା ପିଚୋଲା ଲେକ୍, ତ ପିଚୋଲା ଲେକ୍ ଇଜ୍ ଇନ୍ ଉଦୟପୁର ସିଟି ରାଜସ୍ଥାନ। ତ ଯଦି କହିବା ସରିସ୍କା ଟାଇଗର ରିଜର୍ଭ ପିଲାମାନେ କେଉଁ ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଛି ନା? ସରିସ୍କା ଜାଣିଛ ରାଜସ୍ଥାନରେ ପିଲା, ଯଦି କହିବା ସରିସ୍କା ଟାଇଗର ରିଜର୍ଭ ଅଛି, ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିସ୍ ହେଇଥିଲା କେବେ? 1979ରେ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିସ୍ ହେଇଥିଲା। ଓକେ, ଭେରି ଗୁଡ୍। ନେକ୍ସଟ ଯଦି କହିବା ଇନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଇନ୍, ଯଦି କହିବା ମୁକୁନ୍ଦରା ହିଲ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ ଇଜ୍ ସିଚୁଏଟେଡ୍, ତ ମୁକୁନ୍ଦରା ଯଦି ହିଲ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ ଯଦି ନେବା, ତ କେଉଁ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ମୁକୁନ୍ଦରା ହିଲ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ ଅଛି ନା? ମୁକୁନ୍ଦରା ମଧ୍ୟ ଆସିଲେ କ'ଣ ପରା ରାଜସ୍ଥାନରେ। ଯଦି କହିବା ମୁକୁନ୍ଦରା ହିଲ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ ଇଜ୍ ଇନ୍ ରାଜସ୍ଥାନ। ଓକେ, ଆଣ୍ଡ ତୁମେ ଜାଣିଲ କହିବ କେବେ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିସ୍ ହେଇଥିଲା? 2004ରେ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିସ୍ ହେଇଥିଲା ମୁକୁନ୍ଦରା। ନେକ୍ସଟ ତ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିଲା, ଭେରି ଇଜ୍ ଦ ହେଡ୍କ୍ୱାର୍ଟର ଅଫ୍ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ନେସନ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ୟୁଏନ୍ଡିପିର ହେଡ୍କ୍ୱାର୍ଟରଟା କେଉଁ ଜାଗାରେ ଅଛି? ୟୁଏନ୍ଡିପି ଆସିଲେ କ'ଣ ନ୍ୟୁୟର୍କରେ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ନ୍ୟୁୟର୍କ ସିଟିରେ ହେଡ୍କ୍ୱାର୍ଟର ଅଛି। ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟେଇନର୍ ଯିଏକି ହେଡ୍ ଅଛନ୍ତି, କେବେ ଫର୍ମେସନ ହେଇଥିଲା ନା? ନଭେମ୍ବର 1965ରେ, 1965 ମସିହାରେ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିସ୍ ହେଇଥିଲା। 22 November 1965ରେ ଏଇଟା ଫାଉଣ୍ଡେଡ୍ ହେଇଥିଲା। ଓକେ, ଭେରି ଗୁଡ୍। ନେକ୍ସଟ ୱେର୍ ଇଜ୍ ଦ ହେଡ୍କ୍ୱାର୍ଟର ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଚେସ୍ ଫେଡେରେସନ୍? ତ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଚେସ୍ ଫେଡେରେସନ୍ ଯଦି ନେବା, ତାର ହେଡ୍କ୍ୱାର୍ଟରଟା କେଉଁ ଜାଗାରେ ଅଛି? ଲୁଜାନେ ସ୍ୱିଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡ। ତ ଲୁଜାନେ ସ୍ୱିଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ଆମେ ଯଦି କହିବା ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଚେସ୍ ଫେଡେରେସନ୍ ହେଡ୍କ୍ୱାର୍ଟର ଅଛି, ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ ନା? ଲୁଜାନେ ସ୍ୱିଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଯେଉଁଟାକି ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଚେସ୍ ଫେଡେରେସନ୍ର ହେଡ୍କ୍ୱାର୍ଟର। ଆଣ୍ଡ ହିନ୍ଦୀ ଦିବସ ପିଲାମାନେ ତୁମେ ଜାଣି ରଖିବା ଦରକାର, ପଚାରିଲା ନ୍ୟାସନାଲ ହିନ୍ଦୀ ଡେ ବା ହିନ୍ଦୀ ଦିବସ, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ରିସେଣ୍ଟ ଅବଜର୍ଭ କରିଥିଲେ 14 September ହିନ୍ଦୀ ଦିବସକୁ ଆମେ ଅବଜର୍ଭ କରିଛେ। ୱାର୍ଲଡ ହିନ୍ଦୀ ଡେ ଆସିଲେ January 10, ବଟ୍ ନ୍ୟାସନାଲ ହିନ୍ଦୀ ଡେ ଆସିଲେ କେବେ ଆସେ ନା? September 14 ତୁମର ନ୍ୟାସନାଲ ହିନ୍ଦୀ ଡେ ଆସେ ପିଲାମାନେ, ଡାଉଟ କ୍ଲିୟର? ତ 50 question ନେଇକି ଆସିଥିଲି ପିଲାମାନେ ଆଜି, ଆଣ୍ଡ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ମହାପେକ୍ ଉପରେ ପିଲାମାନେ ଅଫର୍ ଅଛି। ତ ଫ୍ଲାଟ୍ ତୁମକୁ 17% ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ମିଳୁଛି, ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ପରେ ତୁମର ପ୍ରାଇସ୍ ରହୁଛି 3,499। ଯେଉଁ ମହାପେକ୍ରେ କି ତୁମେ ଅନ୍ଗୋଇଂ ଅପକମିଂ, ତା ସହିତ ଟେସ୍ରି ଜି ବୁକ୍ ସବୁ ଆଭେଲେବୁଲ ଅଛି। ତ ଓଡ଼ିଆ ଷ୍ଟେଟ୍ ଏକ୍ସାମ୍ ମହାପେକ୍କୁ ଯଦି ଏନ୍ରୋଲ୍ କରିନ, ଏବେ ହିଁ ଏନ୍ରୋଲ୍ କର, ପ୍ରୋମୋ କୋଡ୍ ୟୁଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ଜମା ଭୁଲିବନି। ଯିଏ ବି ଏନ୍ରୋଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ Y200 ସେ ପ୍ରୋମୋ କୋଡ୍ ୟୁଜ୍ କରି ଏବେ ହିଁ ଓଡ଼ିଆ ଷ୍ଟେଟ୍ ଏକ୍ସାମ୍ ମହାପେକ୍ ଏନ୍ରୋଲ୍ କରିବ, ଯାହାକି ପ୍ରାଇସ୍ 3499 ତୁମକୁ ମହାପେକ୍ ମିଳୁଛି। ଯେକୌଣସି ବେଚ୍ ଆସୁଛି ଏନ୍ରୋଲ୍ କଲାବେଳେ ପ୍ରୋମୋ କୋଡ୍ Y281 ୟୁଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ଜମା ଭୁଲିବନି। ବାଲ୍ମିକି ଆସୁ କିମ୍ବା ଏକଲବ୍ୟ WE ର ବେଚ୍ ଆସୁ, ନେକ୍ସଟ ଆମେ ବିନାୟକ OSSC CGL କ୍ରାସ୍ କୋର୍ସ ବେଚ୍ ଆସୁ, କିମ୍ବା ସାଧନା 2.0 ର ବେଚ୍ ଆସୁ, କିମ୍ବା OSSC ର BSS ର ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ମଧ୍ୟ ଆସୁ ପିଲାମାନେ, ତା ସହିତ ଜୁନିୟର ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟର ବେଚ୍, କିମ୍ବା ଜୁନିୟର ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟର ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍, କିମ୍ବା ଓଡ଼ିଆ ବ୍ୟାକରଣ ବୁକ୍ ଆସୁ, କିମ୍ବା ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ବେଚ୍ ଆସୁ, କିମ୍ବା ଅର୍ଜୁନ କମ୍ପ୍ରେହେନ୍ସିଭ୍ ବେଚ୍ ଆସୁ, କିମ୍ବା ସାର୍ଥକ ଯେଉଁଟାକି ହାଇସ୍କୁଲ ଟିଚର୍ ବେଚ୍ ଆସୁ, କିମ୍ବା ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରାଇମ୍ ଟେଷ୍ଟ ବେକ୍ ଆସୁ, କିମ୍ବା ଓଡ଼ିଆ ଷ୍ଟେଟ୍ ଏକ୍ସାମ୍ ମହାପେକ୍ ଆସୁ, ଯେକୌଣସି ବେଚ୍କୁ ତୁମେ ଏନ୍ରୋଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ, ୟୁନିଭର୍ସାଲ୍ ପ୍ରୋମୋ କୋଡ୍ Y281 Y200 ପ୍ରୋମୋ କୋଡ୍ ୟୁଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ଜମାର ଭୁଲିବନି, ଠିକ୍ ଅଛି? ଆଣ୍ଡ ୟେସ୍ ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତି ସରକାରୀ ନୌକରୀ ମତଲବ 24/7 ୟେସ୍ ମୋଷ୍ଟ ଟ୍ରଷ୍ଟେଡ୍ ଏଜୁକେସନାଲ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ୟୁଜ୍ ମାଇ ପ୍ରୋମୋ କୋଡ୍ Y281 ଆଣ୍ଡ ଗେଟ୍ ଫ୍ଲାଟ 17% ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ। ଓକେ, ଆଣ୍ଡ ପିଲାମାନେ ଯଦି ଲାଇକ୍ କରନ ସେସନ୍କୁ ଲାଇକ୍ କର, ସେୟାର ଯଦି କରନ ସେୟାର କର, କମେଣ୍ଟ ଯଦି ଦେଇନ ଭେଲ୍ୟୁବଲ୍ କମେଣ୍ଟସ୍ ହେବ ଆଫ୍ଟର କ୍ଲାସେସ୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଯଦି କରିନ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର। ପିଲାମାନେ Y281 ପ୍ରୋମୋ କୋଡ୍ ୟୁଜ୍ କରି ଯଦି ଚାହୁଁଛ R247 ଷ୍ଟୋର୍ରୁ ଯେକୌଣସି ପେଜ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୋମୋ କୋଡ୍ Y281 ପ୍ରୋମୋ କୋଡ୍ ୟୁଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ଜମା ବୁଲିବନି ପିଲା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଲଭ୍ ୟୁ, ହେଭ୍ ଏ ଗ୍ରେଟ୍ ଡେ। ଆଣ୍ଡ ପିଲାମାନେ ତୁମେ ସମସ୍ତେ କାଲି ଠିକ 10:15 ମଧ୍ୟ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ କରେଣ୍ଟ ଏଫେୟାର୍ ସେସନ୍ ନେଇକି ଆସିବି, ଆଶା କରି ତୁମେ ସମସ୍ତେ କାଲି 10:15 ମଧ୍ୟ ଜଏନ୍ କରିବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଲଭ୍ ୟୁ ପିଲା, ଲଭ୍ ୟୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଅଲ୍, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।